नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जबलपुर नगर आगमन पर मुख्य रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत के साथ सपना चड्डा, जो कि मध्य प्रदेश नारी सशक्तिकरण रत्न अवार्ड से सम्मानित हुई है, उनके शुभ चिंतकों ने पुष्पहार से स्वागत कर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस उपलब्धि से सम्मानित सपना चड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंदौर शहर के कल्पवृक्ष ऑडिटोरियम सेज यूनिवर्सिटी भवन परिसर में एक दिवसीय मध्य प्रदेश गौरव रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित प्रतिभागियों का सम्मान हुआ। वहीं जबलपुर की प्रतिभा सपना चड्डा को मध्य प्रदेश गौरव रत्न अवार्ड व गोल्ड मेडल पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश शासन जयपाल छाबड़ा, विशिष्ट अतिथि DIG मनोज कुमार श्रीवास्तव, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट जज जबलपुर योमेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि DSP नेहा पचसिया, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कंट्रोलर नुजहत बाकई, SWC जबलपुर लक्ष्मी ठाकुर, अतिथि प्रतिभा व्यास कल्पना गोस्वामी, वहीं कार्यक्रम आयोजक राजकुमार धाकड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सपना चड्डा की इस उपलब्धि पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय कोषाध्यक्ष रविंदर सिंह चड्डा, मानव क्रीडा एवं कला अकेडमी के संस्थापक राजकुमार यादव, मेघा खरे, ज्योति सिंह, मोनिका केवट, विकास ठाकुर, महासचिव सुश्री शिवानी बेन, सदस्य जुबेन खान, आशीष महोबिया, वीरेंद्र सिंह आदि जनों ने स्वागत कर ढेरों बधाइयां प्रेषित की। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम सपना चड्डा है और मैं आयुर्वेद की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये एक ऐसी संस्था है जो गरीब बच्चों और नारियों के लिए हमेशा तट पर तैयार रहता है सेवा करने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगाते हैं। मैं RMSS की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और लगातार 2 साल से मैं गौरव अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त कर रही हूँ और जबलपुर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और रिप्रेजेंट करने के बाद आप लोगों ने भी मेरा स्वागत किया है और ये बहुत सारे विभिन्न जगह से लोग आए थे जिन्होंने अपना अपना गौरव रत्न सम्मान हासिल किया है। मेरे लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि जबलपुर से मुझे चुन लिया गया है। लगातार 2 वर्षों से मुझे चुना जा रहा है तो मैं आने तक इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस उपलब्धि के लायक किया। वहाँ पे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जबलपुर के अलावा और कहाँ कहाँ के लोग आए थे जो सम्मानित हुए? वहाँ पे भोपाल, रीवा, सतना, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, इंदौर सभी जगह से लोग आए थे। अपने जबलपुर के जो जज हैं माननीय अग्रवाल जी वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको ये सम्मान प्राप्त? सर, सम्मान पा के सभी को बहुत अच्छा लगता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये आपको कितने बार सम्मान प्राप्त हो चुका है? सर, ये लगातार दूसरी बार मुझे गौरव रत्न से सम्मानित किया गया है। नाम बता दीजिए, आप क्या करते हैं, आप क्या कार्य आपका सामाजिक संरक्षण में आपका? IMSS हमारा जो संस्था है ये गरीब लोगों के लिए NGO का काम करता है, आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना प्रोवाइड करता है, जरूरतमंद लोगों के लिए हम हमेशा तट पर खड़े रहते हैं, सोशल वर्क का हम काम करते हैं। जहाँ पे भी हमें ये पता चलता है कि किसी को ज़रूरत है तो हमारी टीम सबसे पहले RMSS वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँच कर उनकी जैसी हमारी हेल्प हो सकती है वो सारी हेल्प हम करते हैं। हमारी 24 लोगों की टीम है RMSS, लेकिन लगातार दूसरे वर्ष भी मुझे ही चुना गया है 24 लोगों में से। ये खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। ठीक, आपका नाम? ये सम्मान मिला और ये बहुत अच्छा काम करती है कि गरीब बच्चों को और गरीबों को की सहायता कर रही है, ऐसे ये सोशल वर्क करते रहे, यही हमारी काम है। इतना सक्सेस को देखते हुए और इनको सम्मान दिया मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और इनको ऐसे ही सम्मान दिया। नाम बताइए अपना। मेघा खरे।